हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित रावत और पहाड़ी यूट्यूब चैनल में करता हूँ आपका स्वागत। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है सुबह के लगभग 9 बजे और लगभग 10 दिन बाद अब जाके जो है धूप आई है, हल्की फुल्की धूप आई है और फिलहाल थोड़ी देर में ही कड़कती धूप लगने वाली है। अब 11-12 बजे तक कड़कती धूप लगेंगे क्योंकि बारिश के बाद काफ़ी तेज़ धूप लगती है। काफ़ी दिनों बाद अगर काफ़ी दिन तक बारिश चलती रही उसके बाद धूप आई तो काफ़ी कड़कती धूप लगती है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मौसम कैसा हो रखा है। आसमान में एकदम सफ़ेद बादल लगे हुए हैं, नीले आसमान में वहीं सफ़ेद से बादल, फिर से एक बार ऐसा सुहाना मौसम देखने को मिला। बारिश का मौसम भी अच्छा था, सुहाना, ठंड हो रखी थी, लेकिन अब जाके गर्मी होगी और काफ़ी गर्मी होगी, भयंकर गर्मी होगी। तो देखते हैं कि मौसम कैसा हो रखा है। बारिश का मौसम भी सुहाना होता है, लेकिन उसके बाद जब नीले नीले आसमान में सफ़ेद से बादल, जो कि काफ़ी अच्छा व्यू लगता है। और देखो, अभी ऐसा ही मौसम हो रखा है, पहाड़ों का ऐसा ही मौसम हो रखा है और 10 दिन बाद आज धूप आई है तो ऐसा हो रखा है। देखो, अभी इधर के लिए देखो बुरे बादल से आने वाले हैं। तो अभी कुछ पता नहीं वैसे कब तक धूप रहती है और कब से फिर बारिश चालू हो जाती है। तो फिलहाल अभी ऐसा है मौसम। और दादी यहाँ पे आग जला रही है क्योंकि अभी मैं कहीं जा रहा हूँ तो पानी गर्म हो रहा है। ओए अरे, क्या कर रहे मेरे को डरने लगे अभी, देखिए। मारूंगा नहीं। परसों तक मेरे को बुलाने पे आ रहा था और आज सुबह मैंने इसको बहुत मारा क्योंकि इसने यहीं पे सुसु कर दी थी। मैंने इसको इतना मारा, अभी मेरे से डर रहा है। अब थोड़ी देर इस पर आ तो फिर मेरे साथ आएगा। चल 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 चल, आ जा। रोहन के पीछे जाता है ज़्यादा, इसी ने पकड़ा रहता है ना। तो अभी पीछे देखो, दादी चूल्हे में कुछ रख रही है। तो दादी पानी गर्म करने के लिए रख रही है मेरे लिए। और अभी मैं जा रहा हूँ जंगल मम्मी की हेल्प करने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, मैं अपनी मम्मी की हेल्प करता रहता हूँ। तो आज भी ये व्लॉग होने वाला है मम्मी की हेल्प के ऊपर। तो मम्मी जा रही है घास के लिए और डेली जाता था रोहन मम्मी के साथ, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ। वो आपने जंगल देखा था जहाँ बब्बू चाचा ने गाना गाया था, राहुल ने, तो वहीं हम जा रहे हैं। और मम्मी घास के लिए गई तो मैं उनकी हेल्प करूँगा। मम्मी थोड़ा ज़्यादा घास काट देगी और मैं लाने के लिए जा रहा हूँ। तो कितना रास्ता है और यहाँ से कितना पैदल चलना है मुझे, मैं आपको बताता हूँ। पूरा सफ़र अपना बताता हूँ, वहाँ तक कितना टाइम लगेगा मुझे और कैसा कैसा वो जंगल है और कहाँ पे है। तो अभी दादी पानी गर्म के लिए रखी है और जब मैं वहाँ से आऊँगा तो उसके बाद ही नहाऊँगा। तो फिलहाल के लिए पानी गर्म हो जाएगा, अभी अपने लिए पानी रख देता हूँ। क्या करना? घास बड़े ठीक जी। ये तो गर्म कर दिया राधिका, भोरल पानी। ये है अपने गांव से आने के लिए ऊपर के लिए रोड में रास्ता, ये वाला। वहाँ पे रेलिंग लगी हुई देखो, और यहाँ पे ये राधिका पानी भर रही है। तो जब भी हमें इधर उधर कुछ सामान मंगाना होता है अपने गांव तक तो यहाँ पे आता है, वरना गाड़ी पकड़ने के लिए ऊपर, वो मेन रोड है। तो ये कच्ची है और वो पक्की हो रखी है, काफ़ी टाइम हो गया उसको तो, लेकिन ये अभी अभी बनी, 2-3 साल करीब करीब हो गए इसको। अभी आ चुका हूँ अपने गांव के रोड में, वो पीछे भरपूर गांव और ऊपर मंदिर का एरिया। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही है मस्त सी। तो अभी उधर से मौसम बदल रहा है, कोई पता नहीं कब बारिश आ जाए फिर से। तो मुझे जाना है उस वाले जंगल में, वहाँ का नाम है सीमाधार। और वहाँ पहले हम घनेखाल के लिए जाते थे, उधर से वहाँ पे रास्ता है घनेखाल के लिए। और वहाँ पे खाली 2 घर है, आपने देखे होंगे पिछली वीडियो में, वहाँ पे 2 घर है खाली और नीचे भतकंडाई गांव। तो उन्हीं के एरिया में आता है वो वाला गांव। और आज तो स्कूल भी खुल गई, वो स्कूल खुली है, प्राइमरी स्कूल है हमारी रोड के सामने ही, तो स्कूल खुली हुई है। वहाँ से कट गई है रोड और वहाँ पर मिलती है, वहाँ पर जो नल है जहाँ पर वो पानी भर रही थी और उसके नीचे गाँव है, तो वहीं तक ये रोड ख़त्म है। तो इमरजेंसी के लिए ये रोड बनी है हमारे लिए, जब कोई सामान वगैरह मंगाना हो, अगर किसी की तबीयत ख़राब हो और वो नीचे से ऊपर वाली रोड में नहीं जा पाता तो फिर गाड़ी यहाँ मंगानी पड़ती है। और ऊपर टंकी है। ऐसे में देखो पीछे का सीन काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम हरा भरा और ऊपर नीले आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बादल, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो आप लोग भी देख सकते हो पीछे भरपूर गाँव, पाली गाँव। आजकल मेन रोड से और हर गाँव के लिए रोड कटी होगी और इसका यहाँ पे देखो लिखा गया है इसके बारे में, इस रोड के बारे में, ग्राम थापला, हमारे गांव का नाम है थापला, 2017-18 में बनी थी 17 में। तो ये कुछ व्यू है अपने गांव की रोड का, अपने गांव की मंदिर रोड और अपने गांव की स्कूल।
वाले मंदिर है श्री राधा कृष्ण जी की मंदिर, उसके नीचे है उस तरफ को ग्राउंड हमारा, सामने हमारे स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय थापला, और उसके आगे जो एरिया जहाँ पे वो पेड़ से है तो वहाँ पे है भैरोखाल का एरिया, उसके चारों ओर कुल्ला के पेड़ है और वहाँ पे बीच में मंदिर जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, मैंने आपको दिखा होगा। अगर आप नहीं देखा होगा तो एक वीडियो देख लेना, यहाँ पे आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप हमारे गांव के मंदिर देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो रोड में आ चुके हैं और यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं। अब जो है सीधे रोड का रास्ता है और जंगल हमें बीच में से निकलना है, तो आपको बताते हैं बीच में कौन से गाँव आते हैं और अपना सफ़र जो है थोड़ा सा जो सफ़र है छोटा सा कैसा रहता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, लेट्स गो। यह है भटरा खोली, आप देख सकते हैं भटरा खोली में आपका स्वागत है। यह है संतोष भाई का गांव, जिन्होंने अपने मैच में कमेंट्री की थी एक बार, काफ़ी अच्छी कमेंट्री की थी। ये देखो देखो काफ़ी अच्छी हरियाली चाहिए वहां से। नमस्ते नमस्ते। अच्छा हाँ, पीछे वहाँ पे वो ताई थी भट्टा कोली की, संतोष भाई के गांव की। तो इसमें हमने लगभग 165 मैंने वीडियो डाल दी अपने चैनल पे, आप सब वीडियो एक बार चेक करना जो पहले से जुड़े हैं, और जिनको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप पहले सब वीडियो देखना उसके बाद, क्योंकि पुरानी वीडियो का जिक्र होता रहता है, फिर आपको आगे समझ आ जाएगा कि हमने किसका जिक्र किया था। और इस वीडियो में वहीं पे भट्टा कोली का जिक्र हुआ जो कि संतोष भाई का गाँव है, जिन्होंने पिछले मैच में यहाँ पे एक बार कमेंट्री की थी हमारे साथ, तो थैंक यू उनका। वो ताई मिल गई थी और जो ताऊ जी हैं वो सारी वीडियो देखते हैं अपनी, क्योंकि मेरे पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और हमारी सारी वीडियो देखते हैं, थैंक यू उनके लिए। और जो भी वीडियो देखते हैं उनके लिए एक बार दिल से थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी, गाँव की पूरी अपडेट मिलती रहेगी, पहाड़ों के सुंदर सुंदर वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आगे आपको अपना सफ़र दिखाते हैं कैसा रहता है, चलते हैं आगे। मैं जहाँ पे भी कैमरा बैक कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है, हर तरफ काफ़ी अच्छा व्यू। ये देखो यार, वाह, अपने पहाड़ी ऐसे हैं। दोस्तों मतलब कि हर जगह पे फ्रंट कैमरा खोल रहा हूँ, बैक कैमरा खोल रहा हूँ, तो पीछे आसमान में जो है नीले नीले आसमान में सफ़ेद सफ़ेद बादल काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं यार, ये पहाड़ों की सुंदरता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था आजकल मौसम हो रखा है सुहाना, तो मन करे एक बार ज़रूर उत्तराखंड चले आना। दोस्तों काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है यार, आओ जो लोग बाहर रहते हैं एक बार घूमने के लिए आओ उत्तराखंड में। तो रोड का रास्ता हुआ ख़त्म, वो देखो यार फिर से एकदम काफ़ी अच्छा नज़ारा। तो वो रोड का रास्ता हुआ ख़त्म, उधर से आया नीचे है भतखंडाई गाँव उनकी स्कूल, ले स्कूल तो बंद है काफ़ी टाइम से, अब जाना है इधर के लिए ऊपर। रोड का रास्ता ख़त्म हो चुका है और अब है जंगल का रास्ता, तो थोड़ा सा रह गया यहाँ से, और यहीं पे वो दो घर है सीमाधार के, जिनको हम प्यार से सिलगाड या सीमाधार बोल सकते हैं, और भतखंडाई गांव के एरिया में आते हैं, भतखंडाई भटरा खोली और भरपूर एक ही ग्राम सभा है ये सब। तो ये देखो यार काफ़ी अच्छा नज़ारा है एक बार फिर से, वाह यार, इनको देख के तो प्राउड फील होता है अपने आप पे कि हमने उत्तराखंड में जन्म लिया है। उस नसीब है हम लोग कि हमने उत्तराखंड में जन्म लिया है, इन सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच जन्म लिया है, सुंदर सुंदर पहाड़ों के बीच बसे हुए इन सुंदर सुंदर गांव में जन्म लिया हमने। वहां से हम अल्ली पाने आता ऊपर से, और ये रहे दो घर, एक घर ये और ये तो नया बना है इनका ऊपर घर, तो इन्होंने अब बनाया नया, ये सिलगाट का गांव है सीमाधार बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक गौशाला बनी हुई थी, नई नई बनी थी, कुछ टाइम हुआ था उसको, नए नए बने हुए छत वाली थी और बारिश के कारण वो गिर गई वहाँ से टूट गई, तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, कुछ टाइम हुआ था उसको बनाए हुए और इतना बड़ा नुकसान हो गया बारिश के कारण, एक दो महीने पहले गिरी थी ये, यहाँ पर जो गौशाला बनी हुई थी नई नई, कुछ ही महीने हुए थे उसको, 6-7 महीने, और वो गिर गई, तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान था यहाँ पे। ये देखो है गे कक्ष ऊपर, यहाँ मेरी मम्मी कहाँ है, ऊपर है, कहाँ पे का कमचे अच्छा ऊपर का अच्छा हाँ हाँ, तो अकेले अकेले आ चाहिए अच्छा। दोस्तों पीछे आपने देखा
वो जो लड़की थी हमारे गांव की थी, मेरी बहन, तो वो भी यहाँ घास के लिए आई थी। मैंने उसको पूछा कि मेरी मम्मी कहाँ है, क्योंकि मम्मी ने फ़ोन ले जाए, लेकिन यहाँ पे टावर की कमी रहती है, इधर टावर नहीं आते इस जंगल में। और ये भी इतना घास लाई थी, देखा आपने कितना लाई थी, वो बता रही थी उधर के लिए है मम्मी, तो वहाँ जाना पड़ेगा मुझे। तो देखते हैं मम्मी ने कितना घास काटा और कितना मैं लाता हूँ और कितना मम्मी लाती है। इस एरिया को बोला जाता है सीमाधार, और हमारे लिए पानी यहीं से आता है ऊपर से, तो ये सीमाधार है। और यहाँ पे दो ही घर है, और ये उनकी गौशाला, ये देखो इधर भी। ऊपर चलते हैं और मम्मी देखती हैं कितना घास काटा मम्मी ने। हम इतनी दूर इसलिए आते हैं यहाँ पे घास वगैरह के लिए, लकड़ी वगैरह के लिए, क्योंकि हमारे एरिया में ऐसे बांज के पेड़ और ऐसे ये जो कुल्ला के पेड़ हैं इतने नहीं हैं, तो वहाँ पे झाड़ी झाड़ी है और उधर महिलाएं नहीं जा पाती, तो इधर झाड़ी नहीं है और पेड़ है और घास काफ़ी हो रखा है। तो मम्मी को ढूंढते हैं कि मम्मी ने कितना घास काटा हुआ है और कितना हम लाते हैं। तो जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े होंगे, ये रास्ता उनको याद आ गया होगा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो आसपास के गांव के लोग जो भी हमारे साथ हैं उनको पता होगा ये रास्ता कहाँ जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये रास्ता जाता है घनेखाल, काफ़ी पुराना रास्ता है। आप तो इस पे पत्थर जो है पड़े हुए हैं, देखो बंद हो चुका है, लेकिन काफ़ी साल पहले यहाँ से जाते हैं घनेखाल, और वहाँ से बस पकड़ते थे हमारे चाचा और हमारे मम्मी पापा और जो भी लोग थे। ये देखो अब कैसा हो गया रास्ता। तो इस रास्ते से हमारे मम्मी पापा काफ़ी टाइम पहले यहाँ से और दिल्ली के लिए बस पकड़ते थे, यहाँ से और घनेखाल जाते थे, वहाँ पे रोड थी और वहाँ से बस पकड़ते थे। सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे यहाँ से निकलना पड़ता था, क्योंकि 1-1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से घनेखाल, और बीच में बड़ियाना गाँव आता है, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट, फिर वहाँ से चढ़ाई है, कहीं डलान कहीं चढ़ाई। तो ये रास्ता आपको याद होगा। तो फिलहाल मेरे को यहाँ तक आते आते थकान लग गई, और मैं यहाँ पर थोड़ा पानी पीता हूँ। तो पानी भी है यहाँ पर, काफ़ी टाइम पहले का पानी, पुराना पानी। ये है पानी की टंकी, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा एक बार, यहीं से जब हम जा रहे थे यहाँ पे दो बकरी चल रही थी, और ये काफ़ी टाइम पहले से आता है ये पानी। यहाँ पे देखो पाइप लगा हुआ है, बहुत सालों पहले से मैं देख रहा हूँ इस पानी को। ये देखो बोतल से बनाया हुआ गिलास, मल्टी टैलेंटेड पहाड़ी बंदे, हर बोतल से बनाया हुआ गिलास, तो इससे पानी पीते हैं। कान से आने के बाद यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी पिया, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम मस्त लग रहा है, सुकून मिल रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर, मम्मी का फ़ोन आ रहा था अभी, तो चलते हैं ऊपर, मम्मी से बात करते हैं कि कितना घास काटा हुआ है और कितना हम ले जाते हैं। तो चले। वो देखो परसों ही मैंने मना किया था मम्मी को इतनी दूर जाने के लिए, लेकिन वो देखो कितनी दूर गई है। आ लेती माँ, आ लेती गया पूरा। मम्मी गई है वो वहाँ पे ऊपर, वो वहाँ पे उतनी दूर गई मम्मी, वहाँ पे काफ़ी बड़ी खाई है वहाँ पे ऊपर। मैंने बोला मना किया क्यों गई वहाँ पे, अभी मेरे को यहीं पे ठहरने के लिए बोला है, और मम्मी वहाँ से आ रही है तो यहाँ पे लाएगी घास। यहाँ से बंटवारा करेंगे कि कितना ले जाते हैं, मैं कितना ले जाता हूँ, मम्मी कितना ले जाती है, फिर यहाँ से बंटवारा होगा। तो देखते हैं अभी मम्मी का वेट करते हैं। यहाँ पे इतना घास लाई मम्मी, देखो मम्मी का इंतजार खत्म हुआ। ब्याल के लिए गए थे, इधर ब्याल नहीं जा, ब्याल नहीं जाकर अबे। और ये मुझे ले जाना है, ताल रख चल, अभी उठा दे। हाँ 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 दे फिलहाल। तो ये देखो इतना लाई मम्मी, और ये मेरे को ले जाना है, मम्मी ले जाने वाले हैं लकड़ी, सूखी सूखी लकड़ी ले जाने वाली है यहाँ से, ये जो सूख रखे हैं ये ऐसे ऐसे करके, जिनसे बारिश ही बारिश। तो अब जाके धूप है, मम्मी कैसा लग रहा है, आप धूप आ गए, खेतों में फसल वगैरह होगी अब ज़्यादा, या फिर ज़्यादा पानी मिल गया, खराब हो जाती है ना, अब थोड़ा धूप की ज़रूरत है फसलों को भी, आजकल जो सब्जी वगैरह है उनको भी अब ज़रूरत है थोड़ा धूप की, हवा पानी सब कुछ चाहिए होता है उसके लिए। पप्पा ना ना हल्कू भाई चला चिल चले हल्ला खुल है। ओ आज हरा घास, और दिन हम सूखा सूखा घास ले जाते हैं, आज महिलाओं वाले काम कर रहे हैं, हरा हरा घास ले जा रहे हैं। तो गांव में रहना है आपको, काम करने में कोई शर्म नहीं, चाहे महिलाओं का हो या फिर अपना काम, तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, पहाड़ों में सब काम करना पड़ता है। रास्ता का घर है, मुंडी टेढ़ी हो जाएगी इसको ले जाते ले जाते। ये देखो कैसा हो रखा है,
सर पे तो मैंने रखा नहीं, सर पे थोड़ा शर्म आती है यार, सर पे कौन रख जाए क्यों, औरतों का बोझ औरतों का काम है सर पे रखने का, तो हम क्यों रखे सर पे, हमें आदत है कंधे पे ले जाने की, तो हम कंधे पे ले जा रहे हैं, मैं भी कंधे पे ले जा रहा हूँ, ये देखो। तो सफ़र आपको पता ही है कैसा रहने वाला है, और अब तो अपने पास घास है तो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो इस घास को ले जाने का सफ़र ऐसा रहेगा, थोड़ी सी रोड है और थोड़ा सा जंगल, तो रोड से सीधे सीधे ले जाने इसको, अभी थोड़ा सा जंगल है। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ढेर सारी पहाड़ी वीडियोज़ के लिए पहाड़ी भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।